Sunt un cuvigilar, ce dacă vine la via, atam de rame, pie, eu mi-am pare și lui YouTube channel re, foarte să zic la oare YouTube channel, pare și lui mi-am frit aici că e corn ne reacțion la video-ul sat, dar mi-am frit că e corn ne sunt thali gane ca reacțion, or is gane ca nume, ore ajnabi, jo ki aia hai series akanda pe, matr ek din pehle, or acea da views la chuka hai, iske lyricist hai, Dharma Bakshi, jo ki mere personal favorite hai, bahut hi beautiful lyrics likhte hai, or inki writing bhai, matlab alag hi level ki hoti hai, maza aata hai inki writing sunne mein, plus mein iske jo singer hai, wo काफी स्पेशल है ठीक है क्योंकि इसके सिंगर है कुमार सावन और गीता सिंह बाश की जो कि भैया मतलब संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर आपने इनका नाम नहीं सुना तो भैया पता नहीं कौन सा संथाली गाना सुन रहे हो आप कौन सी संथाली म्यूजिक से बिलोंग करते हो आप क्योंकि ये दोनों जो कलाकार हैं ये संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री के कुमार सानू और अलका याग्निक की जोड़ी है क्योंकि भाई बहुत ही पुरानी जोड़ी है और काफी कमाल की जोड़ी है ठीक है बहुत ही सुंदर इनकी आवाज है बहुत ही मधुरता रहती है इनकी आवाज में एकदम सोलफुल गाने रहते हैं इनके मैं काफी दिनों से इनके गाने रिएक्ट करना चाहता था पर इनके गाने आ नहीं रहते आज फाइनली ओरे अजनबी के नाम से इनका गाना आया और भाई मतलब मेरा एक तरह से बोलो ड्रीम पूरा हो गया कि भाई इनके गाने रिएक्ट करना और इनके गाने को मतलब सुनना है भाई मतलब सुनना है तो मौका कैसे छोड़ सकते हो तो ये रहा वीडियो और साथ ही म्यूजिक दिया गया है सत्य राम के द्वारा और मिक्सिंग मास्टरिंग करी गई है डीडी ब्रो के द्वारा फीचर जो हो रहे हैं ठीक है वो है रोमियो बाश्की जी और गीत और जो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं वो हैं हुकुंदा हुकुंदा के वीडियो क्वालिटी बहुत ही तगड़ी होती है मतलब उनकी एक नेक्स्ट लेवल की सिनेमेटोग्राफी एक अलग लेवल की कॉन्सेप्ट फ्रेम रहता है जो कि बहुत ही मजा आता है देखने में बहुत ही सुंदर उनके वीडियोज रहते हैं तो चलिए रिएक्शन करते हैं रिव्यू करते हैं और जानते हैं कैसे रहती है इसकी लिरिक्स कैसे रहती है इसकी म्यूजिक कैसी रहती है इसकी वाइब सब चीज का आंसर मिलेगा सिर्फ यहाँ तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और चलिए शुरू करते हैं रिएक्शन का कारवा साथ ही में हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि भैया साथ में कम्युनिटी का हिस्सा बनिए आप हमारे चलिए शुरू करते हैं वीडियो तो भाई लोग कनाडा गेट वन चलिए शुरू करते हैं और अजनबी जो कि है सीरीज अकंदा पे मात्र एक दिन पहले अच्छा व्यूज ला चुका है और इसके सिंगर जो है वो है कुमार सावन और गीता सिंह बाकी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई ये दोनों का नाम देख मतलब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ चलो शुरू करते हैं 3, 2, 1 लेट्स बिगिन द शो श्री सकंदा वो बहुत सुंदर लोकेशन है भाई कहाँ तक है ये महिंद्रा पार्क हाँ यार बहुत सुंदर रास्ता है ये और ये गाड़ी हो गई खराब ओके मेरा थार भी खराब हो रहा है भाई साहब क्या कर रहे हैं मैडम गाड़ी में खराब पकड़ना मिदिन बसिन लगावा हाँ ठीक क्या आम गाड़ी जोत करते कॉलेज में ओके बताओ गाड़ी छोड़ के मैडम पैदल जा रही है जंगल में यार ये सोचने लगता है यार उड़ी उड़ीसा का गाड़ी मतलब उड़ीसा का लोकेशन झरना झलका नवा जीवी रंग
मतलब एक होता है ना स्पीचलेस कर देना, ये वो सॉन्ग है ठीक है जो कि तुम्हें एकदम साइलेंट कर देती है, क्योंकि हर चीज में जो भी चीज में तुम मतलब ओवरऑल अगर इस वीडियो को एक शब्द में मैं कहूं ब्रिलियंट ठीक है, ब्लॉकबस्टर मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ठीक है जो अभी तक मैंने सुना है संथाली में ठीक है। क्योंकि भाई जिस तरीके से मेलेडी बिल्ड हुई ठीक है, जिस तरीके से म्यूजिक स्टार्ट हुआ सत्य राम के द्वारा ठीक है, वो बहुत ही सुंदर बहुत ही अलग अलग मतलब ऐसे मेलेडी आमतौर पर संथाली में तुम नहीं सुनोगे ठीक है। बहुत ही अलग बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलेडीज को यूज किया गया, बहुत ही अच्छी अच्छी लेयर्स बैठाई गई हैं, प्लस में जो धर्मा बख्शी का काम है मतलब धर्मा बख्शी जी का जो काम है ठीक है एज अ लिरिसिस्ट, सर आप ना भाई अवार्ड जीत रहे हो ठीक है, क्योंकि बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक एक वर्ड्स को फिरोया गया है। अब मैं अगर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो बहुत ही मतलब वैसा मजा नहीं आएगा जो कि तुम्हें संथाली में सुनने में मजा आएगा। जाहिर सी बात है एक रोमांटिक सॉन्ग है ठीक है, तो मेटाफरिक सारे वर्ड्स रखे गए हैं, बट बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा गया है ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे फिरोया गया है, और जिस तरीके से म्यूजिक लेयर चलती है वो बहुत ही कमाल का। प्लस में कुमार सावन जी का जब आवाज गिरता है आई लव इट ठीक है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मेरी एक एक्साइटमेंट थी कि मैं कुमार सावन और गीता का एक साथ में गाना को रिव्यू करूं, और फाइनली आज वो हुआ, और दोनों की भाई लोग ऐसे ही नहीं कहते जैसे कुमार सानू और अलका याग्निक की जोड़ी, क्योंकि भाई है मतलब है तुम सुनोगे ना जब इनकी आवाज़ तो भाई एक अलग ही लेवल की भाई तुम्हें सुकून मिलता है यार, पता नहीं क्यों पर तुम्हें सुकून मिलता है एक अलग लेवल का, तुम्हें मजा आता है इनकी आवाज़ सुनने में, और तुम कहीं ना कहीं खो जाते हो इनकी मधुरता में ठीक है, और बहुत ही मजा आता है भाई। और ये गाना मजाक नहीं बता रहा हूँ, 3 मिनट खत्म हो चुका है, बट सरप्राइज किया ठीक है, क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि हाँ एक रोमांटिक सॉन्ग होगा, बट इस तरीके की मेलेडी जो वायलेंस साउंड है ठीक है, जिस तरीके से फिर जब ओ रे अजनबी जो टाइटल ट्रैक मतलब ये सिग्नेचर लाइन आता है वहाँ पर जिस तरीके से ये क्या होता है ढोलक और ये सब गिरे हैं भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाई, एकदम बॉलीवुड का सॉन्ग, एकदम अलग लेवल की म्यूजिक, अलग लेवल की लिरिक्स, अलग लेवल की सिंगिंग, आई लव इट ठीक है। मतलब पर्सनली वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग इन संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री मेरे हिसाब से ठीक है। आई डोंट नो कितने कम व्यूज क्यों हैं इसके ठीक है, इसके व्यूज छप्पर फाड़ होने चाहिए, बट बहुत कम व्यूज हैं ठीक है, पर भाई आई लव इट, आई पर्सनली लव इट ठीक है, और ये मेरा फेवरेट लिस्ट में से एक होने वाला है ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ही सुंदर गाना है। अब आगे सुनते हैं, ज्यादा तारीफ अभी नहीं करते, अभी पूरे गाना बचा हुआ है तो देखते हैं क्या है, पर भाई मजा आ रहा भाई, मतलब मैंने मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी अब यहाँ पहुंच गई है, चलो आगे देखते हैं। जिस तरीके से मिक्सिंग मास्टरिंग परफेक्ट है, मतलब एकदम मतलब ऑडियो वर्क अगर कहा जाए तो सारा चीज परफेक्ट है, आई डोंट थिंक कि भाई इसमें कुछ भी चीज मुझे इधर उधर लग रही है, परफेक्ट मेलेडी, परफेक्ट लेयरिंग, परफेक्ट वोकल, परफेक्ट रिकॉर्डिंग, परफेक्ट वोकल मिक्सिंग, परफेक्ट म्यूजिक मिक्सिंग ठीक है, बीट मिक्सिंग एंड देन फिर परफेक्ट मास्टरिंग, एवरीथिंग जस्ट परफेक्ट ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल ठीक है, और इतनी सुंदर आवाज़ ठीक है सावन और गीता मैम का, बहुत ही सुंदर, मतलब लव्ड इट मैन, लव्ड इट, सच बता रहा हूँ, इतनी प्यारी
वोकल है ना इनकी, मतलब अलग लेवल की है भाई। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर ये गाना सुनने के बाद भाई कहीं ना कहीं एक अलग सी फीलिंग आ रही है, ठीक है, एक अलग सी वाइब आ रही है, क्योंकि बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है, एक अलग तुम्हें मधुरता इनकी मधोशी में तुम खो जाओगे, एंड देन फिर तुम्हारा एक लगता है ना कि फीलिंग जो काइंड ऑफ बटरी बटरी फीलिंग जो होती है ना, बटरफ्लाई वाली फीलिंग, वो सारी चीजें तुम्हें निकलती है, ठीक है। मेरा फीलिंग जो था स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट था, बट अभी कहीं ना कहीं जाके फॉल इन हो चुका है इस गाने में, मतलब कहीं कहीं ऐसे जगह थे जहाँ पे रोंगटे खड़े करने वाले, मतलब तुम जब गौर से सुनते हो ना आवाज को, ठीक है, तब तुम्हें लगता है क्या है यार, लव्ड इट, ठीक है। प्लस में रोमियो वाशकी और गीता का अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही फ्रेश जोड़ी लग रही है, क्योंकि मैंने इनसे पहले इनको शायद नहीं देखा कोई भी गाने में, ठीक है, पहली दफा देख रहा हूँ, तो काफी फ्रेश पेयरिंग है, ठीक है, और काफी अच्छी लग रही है, ठीक है। वाशकी जी बहुत ही सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं भाई, सॉरी, वाशकी जी बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं, गीत बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है और काफी मतलब सुंदर है, काफी सुंदर है, ठीक है। तो दोनों की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी लग रही है और दोनों काइंड ऑफ एक कपल वाली वाइब दे रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग के लिए परफेक्ट पेयरिंग है, ठीक है, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है और तुम यहाँ स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक है, फिर भी तुम्हें यहाँ तक उनकी वाइब फील हो रही है कि हाँ दे आर इन लव, ठीक है, वैसा वाला फील मिल रहा है तुम्हें, तो अच्छी पेयरिंग है, बहुत ही कमाल की जोड़ी है। और वाशकी जी का देखो भाई, किसी के साथ भी जोड़ी बैठा दो उनका काम अच्छा होता है, ठीक है, खासकर जिस तरीके से वो डांस करते हैं, जो एकदम रोमांस वाला जो वाइब होता है ना वो तुम्हें देखने को मिलती है, वोकल पे अच्छे से बैठती है, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज उस तरीके का लगता है, शाहरुख खान के शायद बहुत बड़े फैन है सर, इसीलिए उस तरीके की बॉडी लैंग्वेज लगती है, पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जोड़ी और कमाल का गाना है भाई। मतलब ये गाना खत्म ना हो इस वाले, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि ये चलते रहे, ये गाना ये लूप में बजते रहे, तो चलो सुनते हैं और काइंड ऑफ एंड ही है, चलो देखते हैं क्या है आगे। उसकी कहानी है, ठीक है, और जो वाशकी जी होते हैं वो वांटेड टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली वांटेड नहीं, टेररिस्ट, ठीक है, और उनका जो अफेयर है वो चलता है एक क्या बोलते हैं ऑफिसर के साथ, तो ट्विस्ट है, ठीक है, डन है, एक अच्छी खासी क्या बोलते हैं रोमांस की स्टार हपुंदा, मतलब क्या दुश्मनी था आपको, मतलब क्या ही दुश्मनी था, ये अच्छी वाली वाइब को एकदम अचानक से सडन शॉक के साथ खत्म कर दिए, पर बहुत ही कमाल, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी कोरियोग्राफी, ठीक है, और हुकुंदा का मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, हुकुंदा का जो स्टाइल है ना, ठीक है, वीडियो बनाने की स्टाइल होती है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है,
उनकी अप्रोच तुम देख लो बहुत ही डिफरेंट, एकदम स्लो सूदिंग, ठीक है। प्लस में जो सिनेमेटोग्राफी होती है वो एक एक फ्रेम भी रोमांस कहता है भाई। उनका जो सेटिंग, फ्रेम सेटिंग स्टाइल होता है ना, उसे तुम्हें पता चलेगा कि भाई रोमांस में कहीं ना कहीं ये वीडियो में रोमांटिक आने वाला है, रोमांस चलने वाला है। और बहुत ही सुंदर रहता है उनका ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ही सुंदर उनका फ्रेम रहता है, ठीक है, बहुत ही सुंदर उनका कैमरा एंगल रहता है, सिनेमेटोग्राफी कमाल की रहती है, ठीक है। कैमरा मूवमेंट्स जो होते हैं वो स्लो सूदिंग बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, स्मूथ एकदम, ठीक है। प्लस में एडिटिंग जो होता है वो जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा ब्राइट या सैचुरेटेड नहीं करते कि भाई एकदम देख के आँख में कलर चूर जाए, वैसा नहीं रखते, एकदम सूदिंग नॉर्मल नेचुरल, ठीक है, जो कि एक कमाल की क्या बोलते हैं डायरेक्शन और वीडियोग्राफर की पहचान है। तो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन हो बंदा का और बहुत ही कमाल का उनका क्या बोलते हैं वीडियो था ये, ठीक है। प्लस में जो स्टोरी थी वो थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा यार कि भाई इतना अच्छा रोमांस चल रहा था एंड सडनली वो जो टेररिस्ट एंगल डाल दिया, मतलब पूरी तुम्हारे अंदर जो फीलिंग डाली गई ना गाने के थ्रू, ठीक है, जो कुमार सावन जी और गीता सिंह मैम बास्की मैम ने जो डाला, ठीक है, वो सारा एक बार में निचोड़ लिया गया ये टेररिस्ट वाला टैग लगा के। पर भाई मजा आया, ठीक है, ओवरऑल शायद इसके पार्ट टू भी बना है, मे बी शायद टू भी कंटिन्यू हो सकता है, हु नोज, अगर वीडियोस अच्छी चल गए तो। पर गाने की अगर बात करूँ, ऑडियो की बात करूँ, तो ऑडियो एक नंबर है, बेमिसाल, बेहतरीन, बहुत ही रोमांटिक, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक संथाली सॉन्ग मैंने अभी तक जो सुना, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ही कमाल का म्यूजिक, बहुत ही कमाल के लिरिक्स धर्मवासी जी का, ठीक है। और जो दो फेवरेट जो लेजेंडरी सिंगर एक तरह से बोलो तो संथाली म्यूजिक इंडस्ट्री के, कुमार सावन और गीता सिंह बास की, मतलब मजा आ गया भाई, मतलब सारी चीजें ऐसी थी कि फाइव स्टार थी भाई, तो गाना फाइव स्टार होना ही था, ठीक है। जस्ट की व्यूज अभी भी कम है, ठीक है, व्यूज इस पर जितना ज्यादा आए उतना मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गाना है भाई, ये गाना उस लेवल का है जो कि हर कोई सुनना चाहिए, हर किसी को ये गाना एक ना एक बार देखना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि भाई ये गाना बहुत ही कमाल का है, ठीक है। तो मेरे जो भी ऑडियंस देख रही है इस वीडियो को, प्लीज जाकर देखो इस गाने को, ठीक है, और अजनबी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मस्ट वॉच है, मेरी रिकमेंडेशन है भाई कि तुम खोलोगे अपने आप को, तुम मतलब कहीं ना कहीं गुम हो जाओगे इसकी मदहोशी में, ठीक है, इसकी जो रोमांसिज्म है उसमें, ठीक है। तो प्लीज जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है, और अजनबी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मस्ट 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 वॉच है, प्लीज जाकर चेकआउट करना इस गाने को, ठीक है। साथ ही में अगर हमारे चैनल पे तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट करो, कमेंट जरूर करना और बताना कि तुम्हें कैसा लगा हमारा रिएक्शन और रिव्यू, और अगर तुमने ये गाना सुना है तो तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये ओरे अजनबी गाना, और तुम्हें क्या लगता है इस गाने के बारे में, सारी चीजें हमें कमेंट करके बताओ। साथ ही में हमारा वीडियो कैसा लगा इसे भी कमेंट करके बताओ, और बने रहो हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके। साथ ही में आपसे हम मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाओ भाई, चलो इसी तरह मिलते हैं फिर से, चलो भाई।